कैसा ढोकला बना रहे हैं, जल्दी से बनने वाला, फटाफट बनने वाला और टेस्टी बनने वाला था, कैसे बनाते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। और उसके लिए क्या सामग्री है वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप जितनी सूजी, ये बारीक वाली सूजी है वो हम ले रहे हैं। इसके साथ हम सेम मेजर में दही ले रहे हैं। अभी हमने ये खट्टा वाला दही लिया है सेम मेजर से, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर दही हमारा खट्टा होगा तो ये बढ़िया से टेस्ट देगा। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इस तरह से, तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारी सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। इसे अभी हम ढक देते हैं। अभी इसे हम चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से जितनी भी हमारी सूजी थी इसने ये जो दही हमने डाला था वो सोख लिया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा है, तो पहले पानी ऐड करके इसे थोड़ा हम सॉफ्ट बना लेते हैं। ज़्यादा भी हमें पानी डालना नहीं है। इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया है, हमें ऐसे ही चाहिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वादानुसार, आपके घर में जैसे नमक खाते इसी हिसाब से डालना है। साथ में मैं सूखी मिर्च के पीस करके डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर देते हैं। और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, साथ में मैंने ये जो डिश है जो हमें रखनी है उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है। साथ में मैं 1 टीस्पून जितने आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है मीठा तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये खट्टा मीठा ढोकला बहुत बढ़िया सा लगता है। वापस हमें इसे मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल 1 टीस्पून जितना, इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ढोकला है वो सॉफ्ट आएगा। अभी इस तरह से हमने तैयारी कर दी है, तो पहले जो हमारे ढोकला बनाने के वो डिश पास में ले लेते हैं। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ इनो, साथ में थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे एक ही डायरेक्शन में इसे मुझे करना है, और इसे ज़्यादा हमें नहीं करना है। बट कुछ सेकंड हमने इसे चला दिया है, तो अभी हमें जो डिश है जिसे हमें ढोकला डालना है इसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, तो वो इसे हम आगे ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसे हमें सेट कर देना है। ये एक डिश में डाल दिया है हमने, अभी दूसरी डिश में भी डाल देते हैं। जितना बचा है वो इसमें हम डाल देते हैं। अभी दोनों डिश हमने रेडी कर दिए हैं, तो उसमें हम लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दे, तो उससे भी बढ़िया से टेस्ट आती है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो,
पर मेरे यहाँ ब्लैक पेपर पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप डाल सकते हो। अब एक डिश में हमने डाल दिया है, वैसे ही सेम प्रोसेस दूसरी डिश में करते हैं इस तरह से। हमारा पानी भी गर्म हो गया है तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, ये पहले मैं डिश रख देती हूँ, उसके बाद मैं वापस इसे हाई करूँगी, इसे अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। ऊपर से कवर कर देती हूँ, इसे ऊपर से कवर कर दिया है। अभी गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं, 12 से 15 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं, तब तक हमारे ढोकले जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसके लिए जो हमें तड़का बनाना है उसके अभी हम तैयारी करते हैं। अभी अभी तड़का बनाना है तो हम तड़के की तैयारी करते हैं। पहले हमें छोटा जो बाउल है तड़का लगाने के लिए वो रख दिया है। अभी इसमें डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून राई, 3 टेबलस्पून जितना तेल। अभी राई को हम अच्छी तरह से भुने देते हैं। राई हमारी चटकना स्टार्ट हो गई है तो इसमें डाल रहे हैं साथ में 1 टेबलस्पून जितनी तिल और 2 हरी मिर्च। ये हमारा तड़का अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये तड़का हमारा तैयार हो गया है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे इसी पे रहने देते हैं। ये गरम गरम है तब तक जो हमारी हरी मिर्च है वो भी बढ़िया सी तैयार हो जाएंगी। अब ये हमारा तड़का रेडी है तो जब तक ये हमारा ढोकला बनता है तब तक हम गैस को ऑफ करके ढोकला का वेट करते हैं। अब इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। कैसा फूल गया है ढोकला हमारा, बिल्कुल पका हुआ है इस तरह से। मैंने 2 डिश रखी है तो इसे वापस हम 2 मिनट तक होने देते हैं। अभी वापस हम चेक कर लेते हैं। बढ़िया सा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। ये दूसरा भी मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से दोनों डिश मैंने निकाल दी है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, इसे हम गरम में ही कट लगा देते हैं। पहले इस तरह से मैं दोनों को कट लगा देती हूँ। अभी इसमें हम जो हमने तड़का बनाया है वो डाल देते हैं, बहुत बढ़िया से टेस्ट आएगी इसे भी। इस तरह से देख सकते कितने बढ़िया से लग रहे हैं। दूसरा जो है इसमें मैं आधे इसमें डालूंगी, आधा ऐसे ही रखूंगी। मीन्स सिर्फ बॉइल किए हुए भी जो हम
इसे करते हैं, वैसे भी वो सिंपल भी बढ़िया से लगते हैं, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। अभी ये पीस निकल गया है तो मैं आपको एक बता दी हूँ किस तरह से है, ये कितना बढ़िया सा लग रहा है। मैंने इसमें लाल मिर्च सूखी भी डाली है, ऊपर से तड़के में ग्रीन मिर्च डाली है, ये इस तरह से बिल्कुल स्पॉन्जी है। मैं आपको इसे तोड़ के भी बताती हूँ। अभी इसे हमें डिश में सर्व करना है इस तरह से। ये मैंने लाल मिर्च भी डाली है, ये बिना तड़के वाले हैं, ये भी बढ़िया से लगते हैं, तो हम दोनों सर्व करते हैं। अभी इसे हम सर्व कर रहे हैं। बढ़िया से लगते हैं खाने में, तो एकदम स्मूथ स्मूथ है। इस तरह से हमने सर्व कर लिया है। जो साइड पे है वो हमने तड़का ऊपर लगाया है, और जो सेंटर में है ये सिर्फ हमने बॉईल किया हुआ है। ये हमें इस तरह से भी पसंद है, तो मैंने दोनों तरफ से इसे बनाया है, और ये इंस्टेंट बनने वाला है। ये ज़बरदस्त लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, पर टेस्ट उसका बढ़िया सा है। तो इस तरह से इंस्टेंट सूजी का टुकड़ा जरूर बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये इंस्टेंट ढोकला कभी भी आपका मन चाहे तो आप तुरंत बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। और आपने कैसे बनाया है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, और इंस्टेंट ढोकला जरूर बनाइए। धन्यवाद।